हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पैनल का स्वागत है। हम लिख रहे हैं फ्लोरिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो AFO, DHO, JRF, SRF, AO के इंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, साइकेट्स पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं? क्या कह रहा प्रश्न? साइकेट्स जो पौधे होते हैं वह किस कुल के अंतर्गत, किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा साइकेडेसी, ऑप्शन नंबर बी साइकेडेसी, ऑप्शन नंबर सी कोरिनिसफेरी, ऑप्शन नंबर डी साइकोनेसी। जो साइकेट्स पौधे होता है वह किस कुल के अंतर्गत आता है? सही आंसर का संभव किस कुल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी साइकेडेसी के अंतर्गत आती है। सही आंसर संभव बी साइकेट जो पौधा होता है वह किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर संभव बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पौधे के प्रवर्धन, क्या कह रहा है? निम्न में से किस पौधे के जो है प्रवर्धन सपोर्ट्स द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? सपोर्ट्स द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फर्न पौधे, ऑप्शन नंबर बी मांस पौधे, ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंकल्स पौधे, ऑप्शन नंबर डी बोमिलियट्स। सही आंसर का संभव क्या करा है? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से जो है किस पौधे के प्रवर्धन जो है सपोर्ट्स द्वारा किया जाता है? सही आंसर का संभव किस पौधे का प्रवर्धन जो है कि सपोर्ट्स द्वारा किया जाता है? फर्न पौधे का जो प्रवर्धन जो होता है सपोर्ट्स द्वारा किया जाता है। सही आंसर संभव ए। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन्स, क्या करा प्रश्न? कौन सा हार्मोन्स पौधे के जड़ वृद्धि में सहायक होता है? क्या करा प्रश्न? कौन ऐसा हार्मोन्स है जो पौधों की जड़ वृद्धि में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए करा इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। क्या करा कौन सा हार्मोन जो है पौधे की जड़ वृद्धि में कर सहायक होता है? सही आंसर होगा संभव ए, ऑप्शन नंबर ए इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल जो है पौधों की जड़ वृद्धि में क्या है सहायक होता है। सही आंसर संभव ए। अगला प्रश्न, कार्नेशन, क्या कह रहा प्रश्न? कार्नेशन किस कुल से संबंधित है? क्या कह रहा प्रश्न? कार्नेशन जो है किस कुल से, कार्नेशन का पौधा जो है किस कुल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कैरियोफिलाइलेसी। कैरियोफिलाइलेसी के अंतर्गत संबंधित, किससे संबंधित है? कार्नेशन का पौधा जो है कैरियोफिलाइलेसी के अंतर्गत संबंधित है। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में से किसमें सफेद फूल नहीं आते? क्या कह रहा प्रश्न? दिए गए वृक्षों में से जो है सफेद फूल किस वृक्ष में नहीं आते? सही आंसर का संभव सफेद फूल किस वृक्ष में नहीं आते? ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर संभव सी पेल्टो फोरम। सही आंसर संभव सी। अगला प्रश्न, पूसा तारा किसकी किस्म है? क्या कह रहा प्रश्न? पूसा तारा जो है किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गेंदा। सही आंसर संभव डी। क्या कह रहा पूसा तारा जो है किसकी किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैरियोप्सिस की किस्म है। पूसा तारा जो किस्म है किसकी किस्म है? कैरियोप्सिस की। अगला प्रश्न, थीमा एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। क्या कह रहा प्रश्न? थीमा जो है एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। किसकी प्रजाति है थीमा जो है एक महत्वपूर्ण प्रजाति किसकी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बोगेनविलिया की प्रजाति। महत्वपूर्ण प्रजाति किसकी है? बोगेनविलिया की महत्वपूर्ण प्रजाति है। अगला प्रश्न, अफ्रीकन गेंदा की संकर किस्म कौन सी है? क्या कह रहा प्रश्न? अफ्रीकन गेंदा की जो संकर किस्म कौन सी है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी पूसा संकर वन। अफ्रीकन गेंदा की जो संकर किस्म है वह कौन सी किस्म है? पूसा संकर वन। अगला प्रश्न,
बोगेनविलिया किस कुल का पौधा है? क्या कह रहा है प्रश्न? बोगेनविलिया जो है किस कुल का पौधा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किस कुल का पौधा है बोगेनविलिया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निकटे गिनियेसी कुल का पौधा है। किसका पौधा है? बोगेनविलिया जो है निकटे गिनियेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न, फूल वाले पौधों में, क्या कह रहा है प्रश्न? फूल वाले पौधों में जो है सुगंध किस जीन द्वारा नियंत्रित होती है? क्या कह रहा है? फूल वाले पौधों में सुगंध जो है किस जीन द्वारा नियंत्रित होती है? किस जीन द्वारा नियंत्रित होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाली जीन द्वारा क्या होती है? सुगंधित होती है। किस द्वारा? फूल जो पौधे होते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं उसमें सुगंध किस जीन के द्वारा नियंत्रित होती है? किस जीन के द्वारा नियंत्रित होती है? पाली जीन के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्राहम, क्या कह रहे? डॉक्टर अब्राहम ने किस पौधे पर रिसर्च की थी? क्या कह रहे? डॉक्टर अब्राहम ने किस पौधे पर रिसर्च की थी? किस पौधे पर रिसर्च की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टगिज के पौधे पर रिसर्च की थी। किस पौधे पर रिसर्च की थी? आर्टगिज के पौधे पर जो है रिसर्च की थी। अगला प्रश्न, कमल, क्या कह रहा प्रश्न? कमल जो है किस कुल का पौधा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कमल जो है किस कुल का पौधा है? ऑप्शन नंबर बी, निम्फेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? निम्फेसी कुल का पौधा है। कमल जो है निम्फेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न, कार्नेशन है, क्या कह रहा प्रश्न? कार्नेशन जो है क्या है कार्नेशन? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है छोटे दिन वाला पौधा, ऑप्शन नंबर बी लंबे दिन वाला पौधा, ऑप्शन नंबर सी उदासीन दिन वाला पौधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कार्नेशन जो है किस कुल कैसा पौधा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लंबे दिन वाला पौधा है। कार्नेशन जो है लंबे दिन वाला पौधा है। अगला प्रश्न, गुलकंद तैयार करने के लिए, क्या कह रहा है? गुलकंद तैयार करने के लिए गुलाब की पंखुड़ी एवं चीनी का अनुपात होना चाहिए। क्या कह रहा है? गुलकंद तैयार करने के लिए गुलाब की पंखुड़ी एवं चीनी का अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए? सही आंसर होगा संभव ए, 1:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। अगला प्रश्न, गुलाब के पौधे को पुष्प रहित करने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? क्या कह रहा प्रश्न? गुलाब के पौधे को जो है पुष्प रहित करने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? कौन सा रसायन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर, पुष्प रहित करने के लिए कॉपर सल्फेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कटे हुए गुलाब के फूलों को की, क्या कह रहा है? कटे हुए गुलाब की फूलों की वेस लाइफ होती है, कटे हुए गुलाब के फूलों की जो है वेस लाइफ होती है, कितने दिन की होती है वेस लाइफ? सही आंसर संभव 12 दिन की। कितने दिन की? 12 दिन की होती है। कटे हुए गुलाब के फूलों की जो वेस लाइफ होती है वह कितने दिन की होती है? सिर्फ 12 दिन की ही होती है। अगला प्रश्न, जरबेरा का उद्भव केंद्र, क्या कह रहा है? जरबेरा का जो है उद्भव केंद्र है कहाँ पर? इस उद्भव केंद्र है? सही आंसर होगा संभव बी, एशिया। अगला प्रश्न, क्राइसेंथेमस किस प्रजाति से फायरेंथम निकाला जाता है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा प्रश्न? क्राइसेंथेमस की किस प्रजाति से जो है फायरेंथम निकाला जाता है? किस प्रजाति से निकाला जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मोरिफिलियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोरिफिलियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे का कंद द्वारा प्रसारण किया जाता है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से जो है किस पौधे का कंद जो है प्रसारण, कंद द्वारा प्रसारण किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिली, ऑप्शन नंबर बी लिली। अगला प्रश्न, रजनीगंधा, क्या कह रहा प्रश्न? रजनीगंधा पौधा किस कुल का पौधा है? क्या कह रहा प्रश्न? रजनीगंधा जो पौधा हुआ किस कुल का पौधा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी। अमेरिडीसी सही आंसर नंबर डी, अमेरिलिडेसी रजनीगंधा जो अमेरिलिडेसी का कुल का पौधा है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा फूल वाला पौधा गजरा बनाने में प्रयोग नहीं होता। क्या करें, कौन सा फूल वाला पौधा जो है गजरा बनाने में प्रयोग नहीं होता। सही आंसर संभव बी, गेंदा का फूल जो है गजरा बनाने के में प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लूज फ्लावर सर्व नहीं होता। क्या करें, कौन सा लूज फ्लावर जो है दिए गए विकल्प में से सर्व नहीं होता। सही आंसर संभव ए, ऑप्शन नंबर ए रजनी गंधा। अगला प्रश्न, बोनसाई संस्कृति किस देश का उद्भव है। क्या कह रहा है, बोनसाई संस्कृति जो है किस देश का उद्भव है। सही आंसर हो संभव सी, दक्षिण कोरिया। बोनसाई संस्कृति जो है किस देश का उद्भव है, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, बोगेनविलिया का प्रसारण द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है, बोगेनविलिया का जो प्रसारण होता है किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, दृढ़ कलम द्वारा। दृढ़ कलम द्वारा जो है बोगेनविलिया का प्रसारण किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुष्पों वाले पौधों के अंतर्गत किस कुल में सर्वाधिक स्पीसीज एवं प्रजातियां हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित फूलों वाले पौधों के अंतर्गत किस कुल में सर्वाधिक स्पीसीज एवं प्रजातियां हैं। सही आंसर होगा संभव ए, आर्कडेसी। आर्कडेसी में क्या है के अंतर, आर्कडेसी कुल के अंतर्गत जो है फूलों वाले पौधों के अंतर्गत जो है सर्वाधिक स्पीसीज एवं प्रजातियां पाई जाती हैं। किसमें, किस कुल के अंतर्गत, आर्कडेसी। सही आंसर संभव आर्कडेसी। अगला प्रश्न है, गुलाब के फूल एवं फल को किस नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है, गुलाब के फूल एवं फल को जो है किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर संभव बी, ऑप्शन नंबर बी, हिप के नाम से जाना जाता है। फूल एवं फल को जो है किस नाम से जाना जाता है, हिप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रंगों में उदासीन या निष्प्रभावी रंग कौन सा है। क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित रंगों में से जो है उदासीन या निष्प्रभावी रंग जो है कौन सा रंग है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी काला, ऑप्शन नंबर सी भूरा, ऑप्शन नंबर डी गुलाबी। कौन सा रंग निष्प्रभावी है। सही आंसर हो संभव डी, गुलाबी रंग। अगला प्रश्न है, एक वर्षी खुशबूदार फूलों वाला पौधा कौन सा है। क्या कह रहा है, एक वर्षी खुशबूदार जो है फूलों वाला पौधा कौन सा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्नेशन जो पौधा है वह एक वर्षीय खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। अगला प्रश्न है, लिलीपुट एक किस्म है। क्या कह रहा है प्रश्न, लिलीपुट जो है एक किस्म है, किसकी किस्म है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुलाब की, ऑप्शन नंबर बी गुलदावरी की, ऑप्शन नंबर सी डहेलिया की, ऑप्शन नंबर सी डी चमेली की। लिलीपुट जो किस्म है वह किसकी किस्म है। सही आंसर होगा संभव बी, ऑप्शन नंबर बी गुलदावरी की किस्म है। किसकी किस्म है, गुलदावरी की किस्म है। लिलीपुट जो किस्म है वह किसकी किस्म है, गुलदावरी की किस्म है।